नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, मैं पंजाब जीके विच सिख गुरु हिस्ट्री रिलेटेड जोड़े भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने रिलेटेड काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर थोड़ा प्रोवाइड करवा चुके हैं। जे वो वीडियो तुम्हें नहीं देखी तो वीडियो के एंड इन्होंने वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, उत्तर जाकर चैक कर लियो। तो अज की वीडियो में आप सिखा के तीजे गुरु गुरु अमरदास जी बारे जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा अपने अज्जी क्लास से आने। क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, सिख धर्म के तीजे गुरु कौन से? तो गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीजे गुरु सन। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए दोस्तों, गुरु अमरदास जी का जन्म कदों होया सी? 5 मई 1479 ईस्वी में गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, गुरु अमरदास जी का जन्म कितने होया सी? तां सारके अमृतसर के नेड़े एक पिंड है, उत्थे गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी। देखो दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट मेरे को इंस्टाग्राम पर एक सवाल जरूर पूछते हैं सर कि पंजाब जीके वास्ते सब तो बेस्ट बुक कौन है। तो जिहड़ी बुक विचों मैं रीड करदा वह पंजाब जीके बुक का लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। यह लेटेस्ट एडिशन बुक है दोस्तों, शायद तुम्हें बुक स्टोर से ना मिले, इस करके तुम अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो इस बुक में। एंड कैश एंड डिलीवरी मोड तुम्हें इस बुक से अवेलेबल हो जाएगी, मतलब जो बुक थोड़े घर आ गई उस तो बाद पेमेंट कर देनी है बुक की, अपनी एग्जाम की स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अमरदास जी के पिता का नाम किसी? तेजभान जी गुरु अमरदास जी पिता का नाम सी। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, गुरु अमरदास जी की माता का नाम किसी? वक्त कौर गुरु अमरदास जी की माता का नाम सी। क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम किसी? मनसा देवी गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम सी। क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, गुरु अमरदास जी के बच्चों का नाम किसी? इन्हों के दो पुत्र सन, मोहरी और मोहन उन्हों का नाम सी, दो पुत्रियां सन, दानी और भानी गुरु अमरदास जी के चार बच्चों के नाम ने। क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए दोस्तों, गुरु अमरदास जी ने कदों तो कदों तक गुरुगद्दी संभाली रखी? तो 1552 तो लैके 1574 तक सिख धर्म की गुरुगद्दी संभाली रखी। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए दोस्तों, गोविंदवाल विखे खूह जिसनों बौली के नाम नाल जाना जाता है निर्माण किसने शुरू किया? तो गुरु अमरदास जी ने ही बौली का निर्माण करवाया सी। एंड दोस्तों, अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाड़े लिए, जे तुसीं कंप्यूटर पोलिटी और जनरल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। एंड इस PDF फाइल में दोस्तों प्रीवियस एग्जाम जिन्हें भी क्वेश्चन बने से या उन्होंने रिलेट करके रिपीट हुए से जिन्हें भी क्वेश्चन वो सारे इस PDF फाइल में इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी बच्चों ने यह PDF ऑलरेडी बाय कर लिया। जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके उस तो बाद इस PDF फाइल में खरीद सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, बौली में गुरु रामदास जी द्वारा किन्ने पौड़ियों की उसारी की गई थी? तो 84 पौड़ियाँ बौली में इंक्लूड की गुरु अमरदास जी ने। दोस्तों, इतने रामदास जी का नाम लिखा गया, इतने गुरु अमरदास जी, तुम जो कॉपी नोट करोगे तो गुरु अमरदास जी इतने नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए दोस्तों, संगत और पंगत शुरुआत किसने की? गुरु अमरदास जी ने संगत और पंगत की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए दोस्तों, पंगत शब्द का अर्थ की है? पंगत शब्द का जो मीनिंग है वह जात और दर्जे के अंतर को घट करो इसका जो नारा होंगे सी। दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, जो गुरु अमरदास जी गोइंदवाल एक मुगल सम्राट उन्होंने मिलन आया से उसका नाम क्या सी? मुगल शासक अकबर गुरु अमरदास जी को मिलन आए सन। तो क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, मंजी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो गुरु अमरदास जी द्वारा ही मंजी प्रणाली की शुरुआत की गई सी। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए दोस्तों, मंजी प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई सी? दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जो संदेश से जी बाणिया से उन्होंने फैलाने लिए मंजिया की स्थापना की गई सी। यह सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, हर एग्जाम में इन रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इस अलावा साइंस की क्लास भी ऑलरेडी अपने चैनल से स्टार्ट कर दी है एंड कंप्यूटर रिलेटेड भी क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल से स्टार्ट की हुई है। मैं जो तुम कोई होर टॉपिक चाहते हो कि मैं उससे तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कराव तो उस टॉपिक का नाम मैं वीडियो के कमेंट में लिख के दस दौ, तो मैं नैक्सट पार्ट है जी यानी नैक्सट क्लासेस जी आप उस टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। एंड हूँ 56 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अमरदास जी द्वारा किनिया मंजिया की स्थापित की गई सन? टोटल 22 मंजिया गुरु अमरदास जी द्वारा स्थापित की गई सन। क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने किस शहर का विस्तार रूप दिता से? तो गोइंदवाल शहर में विस्तार रूप दिता से। क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने किहड़ी बाणी रची सी? आनंद साहिब रचना गुरु अमरदास जी द्वारा की गई सी। इस अलावा क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए, गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समाउण दा समां की सी? तां 1574 गोइंदवाल विखे ज्योति जोत समा गए से गुरु अमरदास जी। तो क्वेश्चन नंबर 60 की गल कर लिए दोस्तों, गुरु अमरदास जी का विआह कितनी उम्र में होया से? उस टाइम इन्हों की उम्र 23 साल से। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, गुरु अमरदास जी पहला किस दे भगत सन, किस की पूजा करते सन? तो विष्णु भगवान के गुरु अमरदास जी पुजारी सन उस टाइम। उस तो बाद गुरु अंगद देव जी के संपर्क में आए तो उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए, गुरु अमरदास जी कि नदी पर स्नान करते सन?
ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ 62 ਸਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 67 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਟੋਟਲ 4 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 69 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 17 ਰਾਗ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। 70 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ 1568 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 73 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਟੋਟਲ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 3 ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।